हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का प्रश्न 13 यानी पत्र लेखन का प्रारूप देखेंगे और उसके बाद जो है उसको लिखेंगे, जिससे कि ये पता चले कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। इसमें प्रश्न है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें अपना उससे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का आग्रह किया गया हो। ये प्रश्न है। अब आपको जैसे पत्र लेखन, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं पत्र लेखन। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि पत्र जो है वह एक प्रारूप पत्र का होता है। पत्र के प्रारूप में आपका अंक होता है निर्धारित, और पत्र जो है हम जहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो हमको उसी लाइन के एकदम समानांतर नीचे तक जाना है ना। हमको पत्र में इसका ध्यान रखना है कि पत्र में हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। मतलब जैसे अगर पत्र हमने लिखना शुरू किया तो अपने मित्र को हम पत्र लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि इसमें अपने जान पहचान, मित्र दोस्त, अपने परिवार परिजन के बारे में हम लोग के को हम लोग पत्र लिखते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में आपको ये विषय मिला हुआ है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें उससे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का आग्रह किया गया हो। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पता लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब प्रश्न लिख देते हैं, अपने अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें उससे स्वच्छ भारत जिसमें उससे स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत अभियान अभियान स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का आग्रह किया गया हो। अभियान से जुड़ने का आग्रह किया गया हो। ये आपके पत्र का विषय है। अब हम लोग पत्र का की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पता लिखते हैं, परीक्षा भवन। आप कोई और पता भी लिख सकते हैं। वैसे अगर परीक्षा भवन लिखेंगे तो आपके वर्तनी अशुद्धि में जो अंक कट जाते हैं उसका भय नहीं रहेगा। तो वर्तनी अशुद्धि ना हो इसके लिए आप परीक्षा भवन संक्षेप में लिख सकते हैं। परीक्षा भवन लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए कोई जगह का नाम, जैसे कि दिल्ली हमने लिख दिया। और उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। मान लीजिए एक जो है जगह छोड़ेंगे, है ना, एक पंक्ति की यहाँ जगह छोड़ते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे तारीख। तारीख मान लीजिए आज की है तो आज लिखते हैं, तो 0 2 1। अब सीधे अब हो गया। तो अब आप जो है फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे। अब यहाँ पे करेंगे प्रिय मित्र, ठीक है। और मित्र का यदि नाम लिखते हैं तो नाम लिख लीजिए, जैसे कि आपके मित्र का जो भी नाम है, अंकिता, अंकित। हमने यहाँ पे अंकिता लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे अंकिता नाम लिया। आपका जो मन करे, जिसका नाम मन करे आप नाम ले सकते हैं।
अब हम लोग वापस आएंगे नीचे की लाइन में, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये देखिए पत्र हमने जहाँ से शुरू किया ठीक उसी समानांतर में हम चल रहे हैं ना, ये ज़्यादा हटना बढ़ना नहीं चाहिए, ना तो लाइन के इधर आएगा और ना लाइन के उधर जाएगा, ठीक है। तो अब हम फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पे सेकंड लाइन में, है ना, आशा आशा है कि तुम्हारी आशा है कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक प्रकार से तुम्हारी पढ़ाई ठीक प्रकार हमारी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही ठीक प्रकार से चल रही होगी ठीक प्रकार से चल रही होगी और तुम मन लगाकर परीक्षा की तैयारी और तुम मन लगाकर परीक्षा की तैयारी मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। यह जानकर खुशी होगी कि हमारे विद्यालय ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान है तो अब जगह नहीं है इसीलिए हम आगे का अंश ऊपर लिखेंगे, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि आपका पत्र एक ही पेज में हो जाए, ठीक है। पत्र संभवतः एक पत्र ज़रूर से आवश्यक है कि एक ही पेज में पत्र पूरा हो, ठीक है। तो हम आगे का अंश ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस नहीं है। अब इसका ये स्वच्छ भारत अभियान यहाँ लिखेंगे, अभियान फिर कॉमा लगाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का निश्चय किया है हमारे विद्यालय ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का निश्चय किया है। विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं विद्यालय के सभी विद्यालय के सभी
विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं अपने अपने क्षेत्रों में छात्र छात्राएं अपने 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 क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान से अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता में स्वच्छता अभियान अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगे। प्रत्येक रविवार को विभिन्न स्थानों पर अपने अध्यापकों के विभिन्न स्थानों पर अपने अध्यापकों विभिन्न स्थान पर अपने अध्यापकों विभिन्न स्थान पर अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन में के मार्गदर्शन में मार्ग दर्शन में समूह बनाकर स्वच्छता का कार्य करेंगे। कार्य करेंगे ठीक है। अब हमें पैराग्राफ चेंज करना है, इसके आगे का अंश जो है हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तो आगे का अंश अब लिखने जा रहे हैं, अब हमें पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। पैराग्राफ बदलना है तो यहाँ से अब लिखेंगे पैराग्राफ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने विद्यालय के मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने विद्यालय के सहपाठियों तथा अध्यापकों से सहपाठियों एवं अध्यापकों से इस संबंध में बातचीत करो इस संबंध में बातचीत करो और अपने अन्य मित्रों को भी इस कार्य में सहयोगी और अपने अन्य मित्रों को भी अन्य मित्रों को भी इस कार्य में अ
अन्य मित्रों को भी अपने इस कार्य में सहयोगी बनने के लिए प्रेरित करो। सहयोगी बनने के लिए प्रेरित करो। सहयोगी बनने के लिए प्रेरित करो। अब आगे है कि तुम जानती ही हो कि स्वच्छता के विषय में हमारा देश बहुत पीछे है। करें मुझे पूरी, अब आप इसके बाद लिखिए, मुझे पूरी आशा है कि मुझे पूरी आशा है कि तुम स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर भारत को स्वच्छ बनाने में अपना पूरा सहयोग दोगी। अपना पूरा सहयोग दोगी। ठीक है, अब एक पंक्ति है जिसको हम आगे लिखेंगे, क्योंकि आगे इसमें अब जगह नहीं है, तो एक पंक्ति को ऊपर लिखेंगे। सहयोग दोगी, अंकल आंटी को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारी अभिन्न मित्र, तुम्हारी अभिन्न मित्र स्नेहा। ठीक है, अब ये पत्र हो गया आपका। आप ये ध्यान दीजिएगा कि पत्र में हमेशा दो पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, एक पैराग्राफ का पत्र नहीं होता, दो पैराग्राफ में पत्र अवश्य होना चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन को बराबर आप ऊपर से नीचे तक एक ही समानांतर में लिखेंगे, मतलब इसके इधर भी नहीं आएगा ज़्यादा, इसके उधर भी नहीं जाएगा। ये पत्र की खासियत है। पत्र के प्रारूप में आपको विशेष ध्यान देना होगा, किंतु क्योंकि पत्र के प्रारूप में भी नंबर है। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद एक इसमें और पूछा गया है प्रश्न, आपके एक मित्र ने आपसे एक पुत्र पुस्तक मात्र 15 दिन तक पढ़ने के लिए ली थी। एक माह से अधिक समय बीत गया, बार बार मांगने पर भी उसने पुस्तक आज तक नहीं लौटाई। नाराज़गी प्रकट करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, तुरंत पुस्तक लौटाने का आग्रह कीजिए। ये आपको एक विषय दिया गया है ना, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए परीक्षा भवन लिखिए, या कोई भी आप अपना पता लिखिए, उस पता के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट डालेंगे यानी तारीख डालेंगे।
तारीख डालने के बाद आप सीधे मित्र कहिए का नाम लीजिए, जैसे कि प्रिय मित्र राज, ठीक है। एक प्रश एक यहाँ पे लगा दीजिएगा प्रिय मित्र, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो नाम लीजिए। फिर आगे लिखते हैं, अगली लाइन में लिखेंगे, ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे कि मैं यहाँ सब परिवार कुशलतापूर्वक हूँ तथा कामना करता हूँ कि तुम भी कुशल होगे। और उसके बाद अपना विषय जो आप मतलब जिस विषय के जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं उस पर आप आ जाइएगा। उसमें लिखेंगे, शायद तुमको याद होगा कि तुमने मुझसे हिंदी की एक पुस्तक गुनाहों का देवता तुमने ली थी और 15 दिनों में पढ़कर मुझे लौटाने के लिए वादा किया था, परंतु आज 2 महीने बीत गए और तुमने अनेक बार आग्रह करने पर भी के पश्चात भी तुमने वह पुस्तक नहीं लौटाई है। अब आप यहाँ के बाद इसके बाद आप एक पैराग्राफ बदल दीजिए और फिर करिए, फिर लिखिए, मित्र इस प्रकार की बहानेबाजी सदैव नहीं चल सकती। अब मुझे शंका होने लगी है कि कहीं लापरवाही के कारण तुमने वह पुस्तक खो तो नहीं दी है, गुम तो नहीं कर दी है। इस प्रकार की लापरवाही व चुप्पी हमारी मित्रता में दरार डाल सकती है, हमारी मित्रता के में दरार का कारण बन सकती है। मेरा पुनः एवं अंतिम अनुरोध है कि तुम यह पुस्तक यथाशीघ्र मुझे वापस कर दो। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारा मित्र राजन। ठीक है, अब एक यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न आपके है कि आपको संदेश लिखना है। संदेश में विषय दिया गया है, जन्मदिन के अवसर पर अपने प्रिय मित्र को बधाई संदेश दीजिए। तो संदेश में आपको एक बॉक्स बना लीजिएगा, एक चौकोर सा, और उसके बाद आप लिखेंगे। अब आपको हम संदेश लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है। पत्र आपने समझ लिया होगा कि पत्र कैसे लिखना है। पत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आप उसमें क्या डालेंगे, पता। पता के बाद आप एक पंक्ति छोड़ेंगे, एक पंक्ति छोड़ने के बाद आप डेट डालेंगे, और डेट डालने के बाद मतलब तारीख डालेंगे, तारीख डालने के बाद एक पंक्ति छोड़ेंगे, फिर आप सीधे सीधे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके पास उसके नाम को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए माता जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय माता जी, और आपको उनके मतलब उम्र और आप अपने रिश्ते के अनुसार उनको मतलब संबोधित करिएगा। यदि मान लीजिए आपकी माँ है या आपके गुरुजन हैं माने बड़े हैं उम्र के, तो आप आदरणीय पूजनीय आदि लिख सकते हैं। और यदि बराबर का है तो प्रिय लिखेंगे, प्रिय मित्र जैसे आपने, या प्रिय भाई, प्रिय अनुज, प्रिय बहन, ऐसे करके लिखेंगे। और यदि छोटा है तो भी प्रिय लिखना है। अब उसके बाद आप अपना विषय लिखेंगे, विषय लिख के एक पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ को बदलिएगा और उसके बाद उसका अंत करिएगा। इस तरह से पत्र लेखन करना है। अब इसके पश्चात हमें अब करना है बधाई संदेश, अभी हमें लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में दिया गया है। इसके बाद संदेश लेखन लिखेंगे। संदेश लेखन का प्रश्न है जन्मदिवस के अवसर पर जन्मदिवस के अवसर पर अपने प्रिय मित्र को बधाई संदेश लिखिए। अपने प्रिय मित्र को बधाई संदेश लिखिए। बधाई संदेश लिखिए। बधाई संदेश
इसमें बधाई संदेश में दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिख करके जैसे मान लीजिए आज की डेट है 27/1/21 और समय आठ आठ बजे प्रातः, ये हो गया। अब आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र अनुराग, प्रिय मित्र अनुराग, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इसके बाद आप लिखिए, प्रिय मित्र अनुराग, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रिय मित्र अनुराग, जन्मदिन की बधाई के बाद जन्मदिन जन्मदिवस के इस शुभ जन्मदिवस के इस शुभ अवसर पर मेरी कामना है कि तुम दीर्घायु हो और शीघ्र ही अपना मनपसंद लक्ष्य प्राप्त करो। मनपसंद लक्ष्य प्राप्त करो और जो आंटी और अंकल का सपना है ठीक है। अब इसके बाद जो है ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि तुम लगातार तुम दिन प्रतिदिन उन्नति करो ठीक है। दिन प्रतिदिन उन्नति करो करके आप पत्र जो है बंद लिखिएगा, समाप्त संदेश करिएगा और अंत में अपना नाम लिख दीजिएगा ठीक है। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे हाँ। पत्र अंत करने के बाद प्रतिदिन उन्नति करो, उसके बाद तुम्हारा मित्र, अब मित्र का नाम जो होगा वो लिख दीजिएगा ठीक है। तो ये भी बहुत कुछ पत्र की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि उसमें इतना पता आदि नहीं लिखा जाता है। तो इसमें जो है आप संक्षेप में लिखेंगे, ज़्यादा विस्तार के रूप में नहीं लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे
और अंत में तुम्हारा मित्र जो भी है वो लिख देंगे, ठीक है। ये आपके संदेश का रूप है। एक संदेश हमने देखा, इसी तरह आप शोक संदेश अगर दिया जाए तो शोक संदेश में भी ऐसे ही ऊपर जैसे हेडिंग डाला गया है यहाँ पे बधाई संदेश, वैसे शोक संदेश का भी आप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद जो उस दिन की डेट होगी, तारीख होगी वो लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे और फिर जो भी लिखना हो आप उसके आगे लिखेंगे। अंत में अपना नाम लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका संदेश लेखन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।